रोलिंग एक्शन। हमें कुछ नहीं होगा, सबके सबूत है ना हमारे पास, ये नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अदालत जरूर देखेगी, तुम जाओ सबसे पहले घर वालों को जरूर दिखा देना। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो सबके सबके, तुम घबराओ मत, सबके कुछ नहीं होगा हमें, सबूत है ना हमारे पास, ये नहीं देख रहे तो क्या हुआ, घर वाले जरूर देखेंगे, अदालत जरूर देखेगी, तुम जाओ और घर वालों को दिखा दो, जाओ सबके जाओ, सबके घर वालों को। ओके मिला मिला एक्शन। ये मिला कट्टू वो नहीं है, पुलिस आई, भागो भागो भागो, आग घर में आ जाओ, सबकी शैडो में आ जाओ, मुझे मारा इंस्पेक्टर साहब, बिहान से गलती से हाथ लग गया, आपको नहीं मार रहा था वो। हाँ इंस्पेक्टर, हमें लगा उनमें से कोई बदमाश है, हमने जानबूझ के नहीं किया। ए भाई
देखो पुलिस आई, भागो क्यों भागो, भागो पुलिस जाइए आप लोग। ए छोड़ दे, मुझे मार रहा है, मुझे गलती से बिहान से लग गया आपको, आप माफ कर दीजिए बिहान को। इंस्पेक्टर साहब हमें लगा उनमें से कोई बदमाश है, हमने जानबूझ के नहीं किया, वो बदमाश। अरे सबसे बड़ा बदमाश और गुंडा तो तू है बिहान पांडे, अरे बाप को मारा, पुलिस में हाथ उठा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये देखिए ये डीवीडी, ये हम आपके पास ही लाने वाले थे, लेकिन वो कुछ बदमाश आ गए और इसमें वो उस रात की रिकॉर्डिंग भी है, इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि उस रात बाबूजी का बाबूजी को ध्यान नहीं, किसी और ने मारा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब अरे इंस्पेक्टर साहब हम बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमें उन्होंने लगा कि उनमें से कोई बदमाश है, हमने जानबूझ के नहीं किया। अरे सबसे बड़ा गुंडा और बदमाश तो तू है प्रियांक पांडे, अरे बाप को मारा, अभी हम पे हाथ उठा रहे हैं। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, ये देखिए ये डीवीडी, इसमें उस रात की रिकॉर्डिंग है जिसमें बाबूजी को मारा था, और आपको ये रिकॉर्डिंग देख कर पता चल जाएगा कि बिहार ने बाबूजी को नहीं बल्कि किसी और ने बाबूजी को मारा है। और ये डीवीडी हम अभी आपके ही पास लेकर आने वाले थे, लेकिन वो बदमाश इसको छीन लिया। अरे वो बदमाश डीवीडी, अरे पुलिस को मारा। सीक्वेंस कुछ ऐसा जहां मुझे और थपकी सीसीटीवी सोसाइटी का, उसमें जो जिस रात ये हादसा हुआ उस रात की फुटेज है, जिसमें मेरे अलावा एक और शख्स था तीसरा, उसका शेडो था जिसने बाबूजी पे हमला किया था। तो ये एक चीज़ है जो हमें मिली है, इसे हम पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ सामने दो गुंडे, पीछे दो गुंडे, चार गुंडे हमें घेर लेते हैं और हमसे ज़बरदस्ती सीडी छीनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ अभियान अपना असली रूप में आता है, एक एक करके सबको धोता है, वहाँ थपकी भी धोने में लगी हुई है, सबको मार रही है। तो एंड में पुलिस आ जाती है, तो मुझे मैं बिना देख लिया अनोइंगली उसको एक बार झटका झटकता हूँ, पीछे पुलिस वाला होता है तो इंस्पेक्टर को लग जाती है, इंस्पेक्टर को लगता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की और वो मुझे उठा के कस्टडी में ले जाता है और वहाँ मुझे थर्ड डिग्री मिल रही है। बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत अलग है और साथ में इतना हॉट टेम्परेचर है, आउटडोर शूट है और रोड पे गिरना लड़ना झगड़ना, इट्स क्वाइट हैवी सीन्स बोलेंगे इसको हम, हैवी सीन है काफ़ी। सुबह से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ताकि इसमें जब क्लोज हो या कुछ हो तो उसमें लगा सकें अच्छे से। खैर पूरा सीन हो गया है, काफ़ी अच्छे से हुआ है, मुझे तो ठीक लगा, आप लोग देख लोग बताइए कैसे लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आर्मी में जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ हमेशा जब भी यहाँ आए हैं उन्होंने अपनी अपनी वाइफ को बताया, तो मेरी उनसे कुछ एक से बात भी हुई थी, उनका कहना था कि हमारी वाइफ ज़रूर देखती है, हम तो नहीं देख पाते हैं और ये सब, उनका कहना था कि फ़ोटो भेजना। तो हर एक इंसान ने, ऑलमोस्ट 200 लोग थे, 150 लोग थे, 100-150 में से कम 50-60 लोगों ने तो सेल्फी खींची थी, बोला हम अपनी वाइफ को भेजेंगे, हम अपनी वाइफ को भेजेंगे। ये अच्छा लगता है आप लोग जान के कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है, कितना प्यार कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता ना सेल्फी ले लिया, यस गए थे देखे थे मिले थे कैसा लगा आपको ये वो, तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से, चलो हमें कोई पसंद कर रहा है और कोई तो है जिसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, जैसे वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनके उनके घर परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल एक ही बात है, ये मैं थपकी प्यार की थपकी इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा। स्टैमरिंग पे एक सिग्नल है, ओबरा सिग्नल जो आप जानते हैं फिल्म सिटी से पहले, तो वहाँ एक लड़की थी, मतलब शी वॉज अ बैगर, भिखारी थी। बहुत हार्ड हो मोमेंट मेरे लिए कि जब वो आई तो उन्होंने कहा बिहान सर थपकी दीदी को बोलना कि मेरी छोटी बहन है ना वो भी बिल्कुल थपकी जैसी है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम मैं समझ भी नहीं पाया, फिर मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने वन सेकंड बेटा इधर आओ क्या बोल रहा, मेरे को समझ में नहीं आया था, बट दूसरी बार उसने बताया ना मेरी बहन भी है ना ऐसे रुक रुक के बोलती है, तो वो तो ऐसा मोमेंट था कि मैं उसको कुछ भी नहीं बोल पाया उसके बाद, फिर वो चले गए बाय, हम आपको रोज देखते हैं, तो बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। बाबूजी का मतलब मर्डर हुआ है, इतना बड़ा सीक्वेंस है, बहुत काफी टर्न है जो शेयर आ रही है।
बहुत बहुत नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, बट बहुत कुछ डिफरेंट कुछ नहीं होगा, अलग कुछ नहीं होगा, चलेगा सब कुछ इसी ट्रैक पे, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन है पुराने, कुछ इंट्रोडक्शन होंगे और कुछ नहीं है। तो आने वाला अभी आगे का तो मुझे भी नहीं पता, बस यही पता है।